अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने चटपटे बैंगन बनाए हैं। इनकी रेसिपी और तरीक़ेकार जानने के लिए आगे चलते हैं। चटपटे बैंगन बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें दो बैंगन हैं जिनको मैंने गोल गोल काट दिया है, एक बड़ा प्याज है, एक टमाटर है, एक प्याली है दही, और जो मसाले हैं उनमें नमक आधी चम्मच, लाल मिर्च भी आधी चम्मच, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। सूखा धनिया और जीरा पाउडर जो है इन दोनों को मैंने भून के क्रश कर दिया है, और ये है चाट मसाला, ये है 1 टीस्पून, और ऑयल जो हमें थोड़ा सा चाहिए पकाने के लिए। तो फिर मैं अब शुरू करती हूँ चटपटे बैंगन बनाना। चटपटे बैंगन बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बैंगन को हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये ऑयल डलेगा इसमें, ऑयल इसमें डला है तकरीबन 1/2 कप, और अब इसमें मैं बैंगन जिनको धो के कट करके भिगो के मैंने रख दिया था तो इसमें ऐसे रख दिए जाएंगे और ये फ्राई होने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे रख रही हूँ मैं इनको। बैंगन को जिस टाइम पे फ्राई कर रहे होंगे साथ ही इसके ऊपर हम चाट मसाला हर बैंगन के ऊपर ऐसे छिड़क दूंगी। ये फ्राई भी होते जाएंगे साथ इन पे चाट मसाला भी छिड़क देंगे। जब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी तो उस पर भी चाट मसाला इस तरह डाल दूंगी। इनको फ्राई करने के बाद प्लेट पे जब मैंने निकाला है तो मैंने इसके ऊपर आधा यानी कि एक एक यानी चुटकी के साथ मैंने पूरे दोबारा से इस पर एक कोटिंग कर दी है चाट मसाले की। यानी टोटल 1.5 चम्मच इसमें डला है चाट मसाला। फ्राई करने के दौरान चुटकी डाला, फ्राई करके जब मैंने इनको प्लेट में प्लेस किया है तो ऊपर से मैंने चाट मसाला और इसको छिड़क दिया। मैं इसको साइड पर रख दूँगी और मसाले की तरफ आऊँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। सबसे पहले प्याज को बस हल्का सा फ्राई करना है, उसके बाद इसमें डाल दूँगी टमाटर। ये इसका मसाला तैयार होगा, ठीक है। प्याज हो गया है मेरा नरम, अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, और टमाटर के साथ ही डाल दूंगी बाकी के सारे मसाले जिसमें नमक, लाल मिर्च, भुना हुआ सूखा धनिया और जीरा है। अब मैं इस मसाले को थोड़ी देर पकाऊंगी और भूनूंगी। मसाला मेरा हो गया है रेडी। मैंने इसमें मोटी वाली जो हरी मिर्च है जो इतनी स्पाइसी नहीं होती, मोटी वाली मैंने एक हरी मिर्च को मोटा मोटा काट के डाल दिया। अब मसाला भी मेरा रेडी हो गया। इसमें मैं अब डाल दूंगी बैंगन जो फ्राई किए थे और चाट मसाला डाल के जो मैंने रखे थे, ये ऊपर ऐसे रख दिए। आग हल्की कर दूंगी मैं, जिससे दम पे बनाते हैं, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी दही। ये फेंटा हुआ दही है, ठीक है। इसको डाल के दही को तो मैं इसको कुछ देर के लिए ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट भी हो जाए इसका दही जो है, और इसके बाद फिर मैं इसको पकाऊंगी। अब देखते हैं कि क्या हुआ है इनके साथ। वो गाढ़ा होता जा रहा है दही और आग हल्की है जिसकी वजह से वो नीचे भी नहीं लगे बैंगन। इनको पकने दूंगी मैं और थोड़ा, ये थोड़ा और पकेंगे इसी तरह ही। बैंगन को ऑलमोस्ट ये मेरे रेडी हो गए हैं, ये देखिए बस जिस तरह की मज़े की मलाई सी आ गई है। इसका पानी पुश करूँगी, अभी तक ये बिल्कुल सही है, आग बिल्कुल सही है मेरी, बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे। बैंगन गल भी गए हैं बड़ी अच्छी तरह से। मिक्स करना चाहें तो मिक्स भी कर सके, इस तरह मैंने यूँ छोड़ा है ताकि थोड़ी प्रेजेंटेशन सी लगेगी, रखने में अच्छे लगेंगे ये बैंगन जो है। आग इसको मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है और जो ये पानी है ये सारा खुश करूँगी और फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी। अगर आपको मेरी चटपटे बैंगन की रेसिपी अच्छी लगी है
तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल किचन नामा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को ट्राई भी कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रेसिपी के साथ।